I'm Zeeshan and welcome back to my channel। आज बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि आज मैं तीन चीजें ऐसे बताने वाला हूँ जो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फ्रेशर हैं और नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि कुछ नई चीजें भी आपको पता लग सके। अगर आप सी ए फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, एज अ अकाउंटेंट, एज अ फ्रेशर आप अगर कहीं सीख रहे तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है देखना एंड द एंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक करना, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं टेली ईआरपी 9 के बारे में, और प्राइम के भी बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि प्राइम अब ज्यादा चलने लगा है, क्योंकि बहुत स्मूथ और अच्छा वर्क होता है उस पर। अब ये भी नहीं है कि टेली ईआरपी 9 बंद हो गया है, ऐसा भी नहीं है, टेली ईआरपी 9 चालू है। जिसको मन में जो आ रहा है वो यूज कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो टेली ईआरपी 9 बेस्ट है। अब इस जो मैं तीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें जो तीन चीजें ये है कि टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम कौन सी जो सॉफ्टवेयर वो बेस्ट है फॉर अकाउंटिंग, और उसके बारे में। और सेकंड जो मेरी जो है वो अकाउंटिंग वर्क, एक अकाउंटेंट को क्या वर्क करना पड़ता है किसी भी कंपनी में। और थर्ड जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए कि सी फर्म में जॉब कैसे, अगर आप फ्रेशर हैं तो बहुत ज्यादा आपको ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है कि एक बेटर अकाउंटेंट बनने के लिए हमें कहाँ सीखना है। बट ये वीडियो मेरी एक्सपीरियंस, आप लोग बहुत कुछ आपको नॉलेज पाने वाले हैं फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, और ये वीडियो पूरा देखें तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 एंड टैली प्राइम। देखिए, जब टैली ईआरपी 9 एंड टैली प्राइम जब हम यूज करते थे, अभी जैसा कि पहले टैली ईआरपी 9 था, प्राइम तो बाद में आया क्योंकि उसका अपडेटेड वर्जन है और बहुत ही अच्छा है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि HSN वाइज जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ले, स्मूथली की बात कर ले, तो एज पर अगर हम कंपेयर करें टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम, तो प्राइम बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और मैं टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम दोनों यूज कर रहा हूँ, बट मोस्ट बट मैं प्राइम यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा जो वर्क है, जैसा कि जानते हैं आप, जीएसटी पे मैं वर्क करता हूँ, जो भी डेटा मुझे मिलते हैं मैं HSN के साथ जो पोर्टल पे मैं डालता हूँ, या फिर जो एकदम स्मूथली सारा कि आप अगर प्राइम से आप करेंगे और HSN बनाएंगे, JSON फाइल बनाएंगे, तो प्रॉपर वे में आपका पोर्टल पे जा रहा है, कोई एरर नहीं होता और वो सबमिट हो जाता है। बट टैली ईआरपी 9 में थोड़ा सा मिसमैच होता था, और बहुत लोगों का मैंने देखा हूँ, सुना हूँ कि प्रॉपर HSN कोड आप नहीं डाल सकते थे, कुछ एरर फील होता था। बट मेरे हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं, आप फ्रेशर है, आप सोच रहे हैं कि मैं टैली ईआरपी 9 से को टैली प्राइम, तो मोस्टली तो मैं मेरी एक्सपीरियंस टैली ईआरपी 9 को मत करिए यूज, टैली प्राइम। और बहुत से इंस्टीट्यूट में सिखाया भी जाता है टैली प्राइम, अभी सारे बुक से आपको टैली ईआरपी टैली प्राइम नॉलेज दी जा रही है, आप लीजिए, आप अच्छे से सीखिए, जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इन फ्यूचर अगर आप मेहनत से कर रहे हैं। और सेकेंड थिंग ये है कि आप किताबी नॉलेज को जो आप सीख रहे हैं, जहां भी आप इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं, किताबी नॉलेज तो बेस्ट है, फिर उसके बाद जो प्रैक्टिकली जो आपको एक्चुअल में करना है वो चीजें करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन कहाँ से करें, जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट जो बताया आपको कि जो दूसरी चीजें हैं वो मैंने आपको ये शेयर करने वाला हूँ, कि वो ये चीजें हैं कि आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए कहाँ पर वर्क करें, प्रैक्टिकली नॉलेज कहाँ से करें, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम सारी चीजों को जान जाते हैं, हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे देते हैं सीखने के लिए, एंड देन रियलाइज की प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से। ये बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स मिलते हैं, डीएम मिलते हैं, अगर मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो नहीं किए वहाँ जाके फॉलो करें, बहुत सी चीजें वहां मैं समझाता हूँ, लाइक अपने कामों को लेकर, वो बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल मिलने वाला है, अगर नहीं फॉलो करें जाके फॉलो करें। चलिए हम पॉइंट पे आते हैं कि मेरा ये मानना है कि हम इंश्योरेंस किसी सीखे, बट अब हमें ये रियलाइज होता है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से लें, जहाँ से हमारी जो अकाउंटिंग की एक्यूरेसी है, अकाउंटिंग टैक्सेशन जो फील्ड है उसमें बेहतर कहाँ से हम प्रैक्टिकल नॉलेज लें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको प्रेफर जो विदाउट एनी फेयर की आपको सी ए फर्म में सजेस्ट करूँ, सी ए फर्म में जाएँ, टैक्सेशन अकाउंटिंग की बेहतरीन नॉलेज वहाँ मिलती है। लेकिन 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 बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यार मुझे पैसे कम मिलते, स्टाइपेंड कम मिलते। भाई, स्टाइपेंड की चिंता मत करें, अपने फ्यूचर की अगर चिंता करना है तो प्रेजेंट में आपको क्या करना होगा, सीखना होगा, राइट। हम तो सीखने के लिए पैसे देते हैं, यहाँ पर सीखने के लिए आपको खुद पैसे मिल रहे हैं, तो स्टाइपेंड की चिंता मत करें, मुझे 3,000 मिले, 4,000 मिले, 5,000 मिले, नहीं।
लर्निंग पे फोकस करें, स्किल पे फोकस करें जैसा मैं करता था, एंड देन आप जब आपको सारी चीजें नॉलेज हो जाएगी तो मेरे भाई आपको कोई टेंशन ही नहीं है कि आपको बोला जाए या फिर आप सोचे कि यार अब मैं सीख गया हूँ तो कहाँ जाऊँ। आपके लिए वेरियस ऑफ यू नो कि आपके पास वर्क होंगे, आपके पास जॉब होंगे। अब ये नहीं है कि लोग बोलेंगे कि अकाउंटिंग में जॉब कहाँ मिलती है, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन है, नहीं जिसके पर नॉलेज एंड स्किल्स है उन्हें कॉम्पिटिशन की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से, राइट। तो मेरा ये सजेशन है आप जाए CFM कोई भी हो, चाहे वहाँ टेक्निकल नॉलेज ले। बट एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि आप एक प्रॉपर, देखिए जब ये वीडियो बनी है तो मैं इसमें पूरा डिटेल में अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। अगर ये जो चीज़ें हैं वो करेंगे तो आई एम श्योर कि आप बहुत आगे जाएंगे। देखिए हम CFM में वर्क करते हैं, स्टाइप यू नो इंटर्नशिप करते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं स्टाइपन मिलती है, कम मिलती है, ठीक है गुड, बट नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं वहाँ, आप चाहे घर पे अकाउंट यू नो कि नेट का ज़माना है, आप उसे यूज़ करना सीखें उस चीज़ों को। और जो चीज़ें हैं वेरियस ऑफ एक चैनल बने हुए हैं अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के, जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कौन सी चीज़ें क्या है, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आप नेट पे सीखें। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, आप चाहे थ्योरी पढ़े गूगल पे सर्च करके, यानी आपको वीडियो देखना है तो वीडियो बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, आप चाहें देखें और वहाँ सीखे। जो चीज़ यहाँ पर सीखे वही चीज़ आके घर पे सीखे। अगर आप फ्रेशर है, यहाँ तो सीनियर भी बहुत कुछ सीखते हैं यू नो चैनलों से, यूट्यूब चैनलों से, बहुत सारे ऐसे चैनल अवेलेबल है जो आप लोग को यू नो राइट चीज़ें सिखाई जाती है, आप जेन्युइन चीज़ें सिखाई जाती है जो आपको ज़रूरत हो, राइट। अब हम तीसरी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, कि चलो हमने यू नो कि कहीं भी सीख लिया, कोई इंस्टीट्यूट से सीख लिया, लेकिन अब हम जॉब को कैसे करें, ये ठीक है। तो अब ये समझ में आता है कि सारी चीज़ सीख ली, देखिए CFM में जॉब कैसे पाए, आप तो बता दिए कि CFM में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जॉब कैसे पाए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। देखिए CFM में जॉब पाने के लिए बहुत सारे यू नो सर्च इंजन भी हैं, आप जाकर वहाँ सर्च कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप रेफरेंस ढूंढेंगे तो वो बहुत ज़्यादा काम करता है। हालांकि बहुत से बड़े बड़े फॉर्म जो होते हैं वो सारी चीज़ें वो अलग होता है, लेकिन आप ये सोचे नहीं कि जो भी आप अकाउंटिंग टैक्सेस चीज़ें बड़े फॉर्म में ही सीखेंगे जैसा बिग 4 हो गया ये सारी चीज़ें होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। आप छोटे फॉर्म से भी शुरुआत कर सकते हैं जहाँ पर रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क यू नो एक रोल प्ले करता है। तो आप अगर आपके फ्रेंड्स हो, आपके गार्जियन में कोई हो, पहचानता हो कोई CS, आप जाएँ वहाँ पर बात करें। और एक डर और बना रहता है कि आपका इंटरव्यू का मसला रहता है कि आप फ्रेशर है, देखिए ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं पूछा जाता। देखिए अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो आपकी इंटरव्यू ज़रूर लेनी होती है, क्योंकि आप वहाँ पर जॉब करने जा रहे हैं, आप अच्छे सैलरी पर जॉब करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी रहेगा आपका इंटरव्यू लेगा, लेकिन एज अ फ्रेशर हैं तो मुझे नहीं लगता आपका ज़्यादा हाई लेवल की यू नो की नॉलेज वाली आपसे पूछा जाए। देखिए इंटरव्यू एक नॉर्मली जो होता है वो आपके बैकग्राउंड के बारे में, जो सीखे वो सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप एक्चुअल में फ्रेशर हो, आप जानते ही नहीं कि वो कैसे करते हैं, आप सिर्फ सीखने आए हैं, तो उसमें इंटरव्यू क्या, तो आपके दिल में होता है कि यार कि मुझे इंटरव्यू में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। तो आप इस चीज़ को साइड में रखें और वो चीज़ें आप जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ों को आप लेके जाएं। आई एम श्योर कि आपकी जो भी इंटर्नशिप आपकी लगेगी तो विदाउट एनी इंटरव्यू, हाँ नॉर्मली चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं कि आप जो सीखने जा रहे हैं, आपने जो भी सीखा वो सारी चीज़ें आप तो बता ही सकते हैं, जाहिर सी बात है अगर आप कोई चीज़ सीखे तो उस चीज़ के बारे में आपको ग्रीप होनी चाहिए, राइट। आई होप सो ये तीनों चीज़ें आपके अंदर इम्प्लीमेंट करें। अगर आप फ्रेशर हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, तो आई होप सो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। और अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, अगर ये भी जब अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। जिस अकाउंटिंग टैक्सेस फील्ड में आने, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।